पहली देखिए अंदाज उनके चिकनी चमेली से, लेकिन रोशन जी कहते हैं ना चिकनी चमेली पे डांस कर देने से कोई कटरीना कैफ नहीं बन जाती, और किसी टीम को 4 रनों का पेनल्टी लग जाने से आपको जीत नहीं मिल जाती, क्योंकि संघर्ष करना होगा। 4 रन भलाए हो पेनल्टी का, यहाँ पर मैं कहूंगा रायतेगढ़ टीम को फायदा तो मिलेगा, लेकिन इतना भी देखिए आजकल मैं पहले ही बता दिया कि भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही मचाता है, और ये राया टीम जख्मी शेर चलेंगे 5 ओवर का मैच है। देखिए यहाँ पर पहला राउंड पहला सत्र का बात करेंगे तो यहाँ से, और एक बड़ा अच्छा मौसम देखिए, क्लाइमेट भी थोड़ा सा बदलता हुआ यहाँ पर, कहते हैं ना मौसम का इजाजत है तनहाई का मौका है, और जी भरकर लगाओ चौके छक्के, किसने तुम्हें रोका है, क्योंकि मेंढा भी तैयार है 6 चौके 6 छक्के के लिए। क्या बात है इस टूर्नामेंट की देखिए खासियत है, हर चीज अलग देखने को मिलता है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अप्पू, एक क्रिकेट का क्लास है अप्पू की, मैंने बल्लेबाजी पिछले साल देखा था राय का टूर्नामेंट के ऊपर, क्या कमाल के बल्लेबाजी की थे, टीम को आखिरी मैच तक ले गए थे। और अप्पू के साथ बात करेंगे तन्नो, तो चलिए गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज तेजेश, ओवर की पहली गेंद, और ये चलिए पहला गेंद को हल्के हाथों से गेंद दिया, यहाँ पर शॉर्ट लिमिट थोड़ा सा डीप रखा गया, लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ 1 रन, और ये अच्छी सोच है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रेन पटरी गया इस मैदान के बाहर से, ये नजारा बहुत अच्छा लगता होगा जब ट्रेन क्रिक लाइव या कवर करता होगा मैच के दौरान पटरी से ट्रेन, लेकिन यहाँ पर देखिए पटरी पर लाना होगा गाड़ी को यहाँ से। राया टीम देखिए 4 रनों का, देखिए ये चीज भूल जाना चाहिए, उन्हें यही सोचना है हमें 5 ओवर में यहाँ क्या टारगेट सेट करना है, लेकिन इस मैदान का हालत नतीजा बता रहा है, जो पिछले 2 दिन से मैच खेला जा रहा है लगातार रनों की बात करेंगे ना यहाँ पर हर मैच में बनते जा रहा है हाईएस्ट, देखिए 84 है लेकिन 60 रन, एक 5 ओवर का कह जाता है 12 का औसत आजकल बेहतर टोटल मानते हैं, अगर 2 साल पीछे जाए तो 50 पकड़ लो तो बेहतर है। ओहो ये चलिए गेंद, थोड़ा सा नया गेंद है हरकत करता हुआ, और नया गेंद तो हरकत करेगा लेकिन करने के लिए उसे मेहनत तो डालना होगा, तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर से राइट इलेवन राइट टीम, देखिए उनकी टूर्नामेंट के ऊपर भी दिन का आखिरी मुकाबला हारे थे लेकिन क्या कमाल का क्रिकेट खेल के गए थे, लेकिन आज एक बड़ा उम्मीद के साथ ये दोनों टीम देखिए जब भी आमने सामने होती है ना एक तगड़ा फाइट होता है, रिकॉर्ड इतिहास बताता हुआ। चलिए हल्के से देखिए धूल आंधी तूफान, और आसमान भी बेईमान है और जमीन पर भी कुछ ये हरकतें, और ये चलिए इस बार खेल दिया मिड विकेट पर फील्डर हैं, लेकिन जब तक गेंद को रोकते तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन, सिंगल डबल से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो आपने इरादा बनाकर मैदान के ऊपर उतरे हो ना 50-60 कम से कम पहुंचना है तो फिर ये थोड़ा सा सोच बदलना होगा। मिलिट्री पावर प्ले में कहते हैं ना समंदर की लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकती, आप सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिल सकता, मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से नहीं थोड़ा हौसले से मंजिल मिलता है, कदमों का इस्तेमाल, स्क्वाड ड्राइव, देखिए 2 फील्डर को यहाँ पर तेज भागना पड़ रहा है, लेकिन जब तक गेंद को रोकते तब तक दोनों बल्लेबाज यहाँ पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए, कहते हैं ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ बेहतर है, लेकिन हर गेंद के ऊपर देखिए चौके छक्के लगाना आसान नहीं रहता है, लेकिन जो मैंडेटरी पावर प्ले 2 ओवर का रहता है खेल, जहां पर पहले देखिए 2 फील्डर बाहर रहते हैं और जिसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं हर बल्लेबाज, देखिए आज भी लोग वीरेंद्र सहवाग को क्यों याद करते हैं, आज भी लोग क्रिस गेल को क्यों याद करते हैं, आज भी लोग एडम गिलक्रिस्ट को क्यों याद करते हैं, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में उन्होंने बताया है कि कैसे बल्लेबाजी करना चाहिए। और ये चलिए बात करेंगे यहाँ पर आज T20 की बात करेंगे, इंग्लैंड जो हिंदुस्तान के बीच में आखिरी T20, क्या केएल राहुल्स को मौका मिलेगा या ईशान किशन को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन टोटल की बात करेंगे यहाँ पर देखिए पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ एक धीमा शुरुआत यहाँ पर 5 रन, लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 रनों को पेनल्टी को पकड़ लिया जाए ना फिर कहीं ना कहीं 1 रन जोड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं जख्म पर अभी मरहम लगाना, भी 24 गेंद बचाए, आप ये मत सोचिए मैं पहले ही बता दिया कि 4 रनों का पेनल्टी हो गया तो मुकाबला जीत गए, ये मत कभी सोचिए, लेकिन जब तक मैदान के जितने तन्नू एक खिलाड़ी, देखिए अप्पू की बात करेंगे आने वाले बल्लेबाज, देखिए यहाँ पर
इंतजार कर रहे होंगे टॉस जीतने के साथ। देखिए पहले बल्लेबाजी लिए और देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा एक रन कहीं ना कहीं यहाँ पर भरपाई होगा कंपलसरी चेसिंग, यानी टीम जितना रन यहाँ पर बनाएगा एक रन आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा कंपलसरी जब चेसिंग की बात आ जाती है। तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी लिया ये थोड़ा फायदा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको देखिए चार रनों के यहाँ पर मुझे लगता है उन्होंने टॉस जीतकर इसलिए बल्लेबाजी, शायद कुछ खिलाड़ी उनके जुड़े नहीं है, लेकिन उनके दर्शक देखिए थोड़ा इनके दर्शकों का रिकॉर्ड है, जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है दर्शकों का तादाद बढ़ जाता है। लेकिन देखते हैं अभी यहां से क्या कुछ होता है। सेकंड ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज मैक्सिम, देखते हैं यहाँ पर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाज को कितना समय तक रोक पाएंगे। पटकी हुई गेंद, हुक किया गेंद, हवा में गेंद, फील्डर है लेकिन वन बाउंस लेने के बाद पहला बाउंड्री यानी जंग की यहां से थी ऐलान, चार रन। ये चलिए अप्पू ने बता दिया, हम क्या थोड़ा शरीफ हुए पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई, हम क्या थोड़ा पहला ओवर खामोश रहे और गेंदबाज हावी हो गए। कहते हैं ना शेर दो कदम अगर पीछे जाता है ना ये मत सोचिए वो डर गया, जब भी दो कदम पीछे जाता है ना तब शिकार के लिए आगे उतना सलांग कोशिश करता है। पहली गेंद के ऊपर चौका आता हुआ और उसके बाद देखिए इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था और आपने का सुकून था। पिछला गेंद के ऊपर चौका लगा, बल्लेबाज का जुनून था, इस बार गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून। मैं लिखी कहानी मेरी सुभाष पाटिल सर बात करेंगे ना, ये मैं जहां आजकल कमेंट्री बॉक्स में बैठ जाता हूँ ये सॉन्ग डीजे मास्टर की तरफ से आ जाता है। कैसे बदलती जवानी मेरी, ये वीडियो क्लिप देखिए बहुत वायरल हुआ, लोगों को पसंद आया। मैंने तो हल्के में एक समय थोड़ा मजाक कर लिया था क्योंकि कोरोना वायरस के बाद पहला टूर्नामेंट है बामन डुंगरी के मैदान के बाद रायगढ़ पर, लेकिन ये सॉन्ग जब लगा मेरा पसंदीदा सॉन्ग था ये। चलिए राया के खिलाड़ी भी जानते हैं 9 रन, उन्होंने भी वीडियो ये क्लिप लिए थे मेरे से, काफी उन्हें भी पसंद आया था निश्चित रूप से। उसके बाद और दिल पिक्चर का ये गया हम प्यार करने वाले ऐसा हर टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ नहीं देने की कोशिश रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए नायक नहीं खेलना है, कौन बल्लेबाज बनेगा, एक आध बल्लेबाज को बनना पड़ेगा नहीं तो मुश्किल बन जाएगा। ओहो सम्मान दिया पर हल्के हाथों से ईश्नो तुतुमे में, और ये कप्तानी की तारीफ करना चाहूंगा शॉर्ट लिमिटेंस, ये अच्छा लगा देखकर, क्योंकि हम अक्सर भिवंडी के खिलाड़ी को देखते हैं, अक्सर नवी मुंबई के खिलाड़ी को देखते हैं, वो अक्सर शॉर्ट लिमिटेंस तैनात रखते हैं और जो शॉर्ट सिंगल रन को बचाने के लिए, और उसके साथ बात करेंगे जो हाफ मौका कभी कभी कैच ले जाता है ना बॉटम एंड एज लीडिंग एज लेकर कैच आता है वहां पर देखिए बाउंड्री से फील्डर पहुंच नहीं पाते हैं, विकेट कीपर भी नहीं पहुंच पाते हैं। ओहो हो ये चलिए तीखी बाउंसर और अतिरिक्त बाउंसर, रोशन जी कहते हैं ना सिगरेट पियो तो कैंसर और शराब पियो तो डांसर, गेंद सर के ऊपर जाए तो बाउंसर, और ये था अतिरिक्त बाउंसर, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ, वन बाउंस का भी वार्निंग मिला है। उसके बाद देखिए फ्लाइट किया यहाँ पर, हल्के हाथों से खेल रहे हैं अभी तक समझबूझ का क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन एक आध बल्लेबाज को मोहरा बनना होगा। देखिए सिंगल डबल से काम चलेगा लेकिन 60-65 नहीं मिलेगा गुरु, कहते हैं ना कौवा जितना मर्जी वो सिंग मिसिंग से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा, अगर आप उन्हें 24 घंटा भी नहलाओ कौवा को, लेकिन सिंगल डबल से आप जितनी भी कोशिश कर लो आपको 55-60 ये नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए दोनों बल्लेबाज ने आपस में कुछ बातचीत किया, कौवा अगर सफेद नहीं बनेगा 24 घंटा नहाने के बाद हमें 30 गेंद के ऊपर फिर मुश्किल बन जाएगा, और जहां पर 4 रनों का पेनल्टी लगा है गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ओहो फिर से एक बार बाउंसर से हमला किया गया लेकिन इस बार अच्छा बाउंसर, देखिए बाउंसर देखिए बल्लेबाज थोड़ी सी अंपायर की तरफ देखते हुए, यार अंपायर बता रहे हैं भाई आपके रेडर में थी गेंद, आपके पाले में थी, हुक कर सकते थे आप, अपरकट खेल सकते थे। बड़ी नजदीक से देखिए तेज उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ तेज नजरे सुभाष पाटिल सर, लगता नहीं इनका उम्र बढ़ते जा रहा है, और गॉगल लगाए नजरे भी देखिए कितना तेज है, और इसलिए तो आज इन अंपायरशिप के दिलों में राज कर रहे हैं मुन्ना पटेल सर लीजिए, उमेश केनी सर लीजिए और हमारे हीरावंशी लीजिए, उनका तो अंदाज कुछ अलग है।
अब फील्ड देखे यहां पर थोड़ा अतिरिक्त यहां पर उछाल अंपायर ने बता दिए। हाँ तो चलिए डीजे थोड़ा सा आवाज एक्चुअली बढ़ा लीजिए और थोड़ा बढ़ाइए। देखिए जितना भी आपके पास सिस्टम है खोल दीजिए। हेलो 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 तो चलिए बात करेंगे आजकल। नहीं डीजे थोड़ा सा क्योंकि हर कमेंटेटर के ऊपर आपको थोड़ा सेटिंग करना चाहिए, थोड़ा सा आवाज बढ़े। बाकी सिस्टम बहुत बेहतर है लाजवाब, इतनी अच्छी क्लियरिटी के साथ है, लेकिन थोड़ा खाली आवाज बढ़ा दीजिए, बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहां से 11 रन बनाए हैं, लेकिन अभी तक बात करेंगे ना ओवर नंबर की बात करेंगे। दूसरा ओवर में देखिए 6 रन आया, पहला ओवर में 5 रन आया। ये देखिए बड़ा मीठी मीठी बातें हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा देखिए देखिए बातें करना होगा, क्योंकि पहला 12 गेंद के ऊपर देखिए यहां से 11 रन आया। एक अच्छा सिकंजा कसते हुए कमाल की गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध कर रखे हैं, लेकिन कहते हैं ना कवर स्थान पर हड्डियां काफी पड़ी है, लेकिन अभी भी जवानी वाली बातें ना छूटी। तो राया टीम ने काफी गेंदे खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक रन बनाने वाली बातें ना बनी। ये चलिए ट्रेने की आवाज देखिए कितना तेज हो रही है, हमारे रास्ते से हट जाइए, बल्लेबाज को भी वही सिग्नल देना होगा। ओहो सीधा विकेट के चढ़ में गेंद देखे यहां पर, कहते हैं ना ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। बात करेंगे अनिल तरी साहब, देखिए टिटवाला उनसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए तशरीफ रखिए साहब, दिल से उनका भी स्वागत है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से, थोड़ा मुश्किल हालत बनता हुआ, थोड़ा सा मुश्किल हालत देखिए यहाँ से। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से पहुंचा यहाँ पर 11 रन टीचे, बस अभी यही रहने दीजिए। और ये चलिए यहां पर हवा में गेंद, फील्डर है और अरे वाह क्या कमाल का कैच, आउटस्टैंडिंग। और ये तो मुझे लग रहा है यहां पर आदिल रशीद का याद दिला दिया, लेकिन वहां तो थोड़ा सा चीटिंग हुआ था, लेकिन यहां पर कोई चीटिंग नहीं था, अंदर थोड़ा से थे। को देखिए फिर से दूसरा ओवर के लिए सौंपा गया, लेकिन लगातार देखिए यहां पर विकेट्स नंबर बात करेंगे, तेजस को मिलता हुआ यहां पर दूसरा विकेट्स, लेकिन आउट होने वाले बल्लेबाज की बात करेंगे तो यहां से बाबू का विकेट्स गिरा सुनने के ऊपर, लेकिन अभी तक मैदान के ऊपर है तन्नु, लेकिन 3 डॉट गेंद खेले हैं जिसमें एक सिंगल है और स्ट्राइक पर तन्नु को यहां से कुछ तो करना होगा भाई। और ये चलिए तन्नु का भी यहां पर गाड़ी नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है मुश्किल, देखिए अपने आप से इतने नाराज है, बाई के रूप में एक रन आता हुआ स्टार होने से टोटल आगे बढ़ेगा, मंजिल नहीं भाई, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहां से 12 रन, 12 रन बनाए हैं। देखिए बात करेंगे दोनों टीम देखिए एक दूसरे की ताकत कमजोरी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज माइज बल्लेबाज देखिए यहां पर अच्छा मौका है, 5वां नंबर के लिए उतरे हैं बल्लेबाजी के लिए,
और कुछ कर दिखाने का मौका है। सूर्य कुमार यादव देखिए उन्हें मौका मिला, पहला मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन सेकंड मैच में जैसे मौका मिला और लोहा गरम था हथौड़ा लगा दिए। और ये चलिए लोहा गरम था हथौड़ा, पहला AK-47 छह रन। पहला गेंद पे स्ट्राइक किया रोशन जी, पहला छक्का, इसे कहते हैं पहली नजर में दिल चुराया। यहां पर लोगों का नहीं उनके समर्थक का दिल चुराया होगा, लेकिन देखते हैं मैच चुराना इतना आसान नहीं रहता, एक आग छक्के लगा देने से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं होता। कहते हैं ना बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, आपने पहना है कभी नहीं, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, एक दो चौके छक्के लगाने से कोई रोहित में नहीं होता। ये बड़े खिलाड़ी बनने के लिए इतना बड़ा वाइट, सुभाष पाटिल सर पहले भी इशारा कर सकते थे, अंपायर लिख सकते थे यहाँ पर इतना बड़ा वाइड आने वाला है, लेकिन उन्हें क्या पता भविष्य आने वाला क्या है, लेकिन फिर भी काफी कुछ पता है। ये चलिए यहाँ पर अभी तक देखिए एक छक्के तो दागे हैं कि जंग का एक जो छेड़े हैं देखेंगे कितना यहाँ पर खतरनाक साबित होता है। गेंदबाज तैयार यहाँ पर, ओहो इसलिए तो मैं कहा था भाई बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, एक दो चौके छक्के लगाने से कोई रोहित मैन नहीं होता, रोहित मैन बनने के लिए लंबा इनिंग्स खेलना पड़ता है, चौके छक्के से नहीं। अल्लाह के कड़ा लेग स्टंप पर खड़े थे और ऑफ स्टंप पर चले गए रोशन जी, इससे कहते हैं आप दूसरे की गर्लफ्रेंड की तरफ क्यों जाते हो, जहां खड़े थे वही खड़े खड़े शॉट खेलना चाहिए था, आपने ऑफ स्टंप सफल बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। और गेंदबाज देखिए कौन था तेजेश, जो पहला ओवर गेंदबाजी लेकर आया था, मैं पहले ही बताया कि ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। देखिए अगर आज T20 में थोड़ा फाइनल तक पहुंचे हैं ना, ये बुमराह का भी बहुत बड़ा कमी है, क्योंकि वो जो गेंदबाजी डेट ओवर में करते हैं ना वो उम्मीद बाकी की गेंदबाजी से हम नहीं ले सकते हैं। T20 के सबसे स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैं कहूंगा हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड के आज के डेट में अगर दिया जाए नंबर वन गेंदबाज है, सब जानते हैं। इसलिए तो मुंबई इंडियंस देखिए IPL शुरू होने से पहले लोग ने बता दिया आप कुछ भी कर लीजिए ट्रॉफी हमारा है, इतना बड़ा हौसला कैसे आता है, जानते हैं मैच विनर खिलाड़ी उस टीम में है। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ पर 19 रन, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर वाइज का विकेट गिरा लेकिन नए बल्लेबाज रोक देखिए बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, ये रोक के अपने आप को रोकेंगे या गेंदबाज को रोकने के लिए आए हैं, ये देखिए यहाँ पर लेग स्टंप ले रहे हैं। रोक देखिए बल्लेबाज और ये चलिए बॉडी के दूर से गेंद को खेल दिया यहां पर एक्स्ट्रा के रूप में एक रन, बिन पायल से बजा घुंघरू बगैर मेहनत से एक रन, लेकिन कहते हैं ना मेहनत करना होगा अगर आपको 45 तक भी पहुंचना है कम से कम एक फाइटिंग टोटल, कहते हैं ना दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है और खुद के कंधों में जिम्मेदारी, तो मेरे हिसाब से यहां पर तन्नो क्यों इंतजार कर रहे हैं, उन्हें स्ट्राइक दीजिए और उन्हें थोड़ा मौका दीजिए, उन्हें गेंद तो फुटबॉल दिखाई देता होगा। और ये चलिए किस्मत भी कहते हैं ना बहादुर के साथ, लेट्स के और कट्स के लिए थे लेकिन सीधा देखे गली पर फील्डर थे और तन्नू अभी भी देखे नॉन स्ट्राइक पर। डॉन था यहाँ पर अमिताभ, अमिताभ इतना सुपरस्टार नहीं हुए थे, ये डॉन के ये गाने में ना गोटिया अंपायर काला नाग जितना सुपरस्टार हुआ, ये गाना गोटिया अंपायर इसके नाम मैंने काला नाग नागपुर में रखा था पिछले साल, मेरे साथ में थे, कहाँ कहाँ ने डस मारता है, कभी गुजरात लीजिए कभी दिल्ली लीजिए, लेकिन हर अंपायर का अंदाज ही अलग रहता है भाई। दशरथ पाटिल सर देखिए उनके अंदाज अलग, बाबू शमी सुभाष पाटिल सर लीजिए, मुन्ना पाटिल सर लीजिए, और आज हिरामन सर देखिए उनके अंदाज, और उमेश किनी सर उनके थोड़ा उनके अंदर विली विडन का अंदाज है, लेकिन अभी तक उतना छक्के देखने को नहीं मिला। तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ, तीन ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर बात करेंगे 20 रन, लेकिन कहते हैं ना सुबह अभी जिंदा है शाम अभी जिंदा है दिल्ली, कहता है कि मैच अभी जिंदा है क्योंकि मैदान के अंदर जब तक है तन्नू जिंदा है, लेकिन तब तक के लिए चलते हैं थोड़ा मैदान के ड्रिंक्स हैं,
लेकिन ये ड्रिंक्स पीने का समय नहीं है गुरु। कहते हैं ना काली चुनरी और काली जुल्फे, काली रंग है कड़ाई का, पानी कम पी गुरु तन्नु, ये समय है तेरी लड़ाई का, ठोक डीजे। और इसलिए तो देखिए बादल फिर से छा गया महाराष्ट्र में, इसलिए बारिश जमकर होता है। बारिश पर नहाना पसंद करते हैं लेकिन से बारिश से नहाने से आप लिबास बदल सकते हो, लेकिन पसीना से नहाओ तो फिर इतिहास बदल सकते हो। लेकिन तन्नु को यह समय आ चुका है भाई, सर में कफन बांधना होगा। तन्नु को तो ये काम करना होगा, खुद के लिए कब्र खोद लीजिए नहीं तो सामने वाला टीम के लिए। अंतिम 12 गेंद पेपर स्कोर देखिए 20 रन बनाए, अगर 50 तक भी पहुंच गए ना, 4 रनों का पेनल्टी भी लिया जाए तो 45 देखिए एक लो फाइटिंग टोटल जिसे कहा जाता है, एक उम्मीद रहता है। अगर आपको 40 के अंदर समेट लिया तो फिर मुश्किल, लेकिन तन्नु रहेंगे तो मुझे लगता है ये काम हो सकता है। और ये चलिए तन्नु क्या कर दिया, गेंद आने से पहले बल्ला फरार, थोड़ा इंतजार करना होगा गुरु। ये तो जिसे कहते हैं ना दूल्हा मंडप पर पहुंचने से पहले दुल्हन फिरा, गेंद आने से पहले बल्ला फिरा, थोड़ा जल्दबाजी हो रही है। तन्नु जानते हैं रन नहीं बना है। और ये चलिए भाई यहां पर क्या गेंद निकल के गया, और एक देखिए डॉट गेंद मुश्किल बनाएगा, लेकिन डॉट गेंद निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन तन्नु को देखिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक यहां पर खेलना होगा। लेकिन अभी तक देखिए 8 गेंद के ऊपर 1 रन, उमेश सर हम समझ गए निश्चित रूप से। और ये चलिए डगआउट बता रहा है यहां पर डॉट गेंद लगातार खेलते जा रहे हैं, ये मुश्किल बनेगा। जिस दामनी पिक्चर में सनी देओल ने कहा था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलोट कब मिलेगी इंसाफ, तो यहां पर तन्नु देखिए डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट। और इस बार भी देखिए डॉट गेंद तो नहीं निकला, लेकिन सिंगल देखिए आज तन्नु को देखिए क्या हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक खामोश है बंदा, लेकिन स्नेह बल्लेबाज 7वां नंबर के पर बल्लेबाज निजाम, देखिए निजाम लंबे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन एक लंबा इनिंग्स ना खेले चलेगा, लेकिन एक छोटा इनिंग्स भी खेल ले लेकिन यादगार बना दे। कहते ना रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए। और ये चलिए हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, अरे वाह क्या कमाल का कैच, और आखिरी उम्मीद भी यहां से टूटता हुआ। पर क्या कमाल के गेंदबाजी, और रायते टीम की तारीफ करना चाहूंगा, नीलेश यादव उनसे गुजारिश करता हूं आइए तस्वीर रखिए। एक कल्याण ग्रामीण क्रिकेट के देखिए नीलेश जी सुरेश बात करेंगे सचिव निश्चित रूप से। और अगला मैच बात करेंगे तो यहां पर मस्कल टीम और उनके साथ गुरुल टीम, देखिए खुद अपनी होम ग्राउंड के पर ये टीम खेलेगा, क्या बात है, एक तगड़ा फाइट। अगला मैच तैयार रहिए दोनों कप्तान टॉस के लिए, जैसे इनिंग का समाप्त होगा। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर जो तन्नु अभी तक मैदान के अंदर हैं, अभी तक उनका देखिए बल्ला खामोश है, नॉन स्ट्राइक पर हैं, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज। तो चलिए मुंतो के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर खास करके मुनसुख कुमले देखिए उनकी तरफ से बात करेंगे तो हर छक्के के लिए 500 रुपए, क्या बात है, इनाम तो बहुत बड़ा लगाया गया, लेकिन काम भी वो करके दिखाना होगा। और ये चलिए भाई गेंद बल्ला फरार, सब कुछ बैकों का मुकाबला यहाँ पर एक तरफा बनता हुआ। अभी देखिए स्कोर रुका है, देखिए 2-3 ओवर का खेल समाप्त होता, 20 रन इतना बुरा नहीं था, लेकिन इस ओवर में देखिए केवल 1 रन निराश कर दिया इस मैच में। देखिए यहाँ पर पहला मैच में देखिए लो स्कोर का देखने को मिला, और यहाँ पर देखिए लो स्कोर, लेकिन देखते हैं आखिरी ओवर है क्या 20-25 रनों का ओवर बन जाएगा, क्योंकि मैदान के अंदर आखिरी उम्मीद तन्नु के ओवर जिंदा है। यहाँ पर
जो क्राउड उनका आया है, डगआउट देखिए बात करेंगे, थोड़ा नाखुश है यहाँ पर राया टीम का, लेकिन क्राउड देखिए खुश है यहाँ पर राहत इलेवन सराइटी टीम का। लेकिन अभी भी 6 गेंद बचा है, देखिए ये क्रिकेट है, 6 गेंद में मैच का रिजल्ट बदल जाता है और ये 6 गेंद काफी है। यहाँ पर अगर राया टीम को अच्छा स्कोर तक पहुंचना है तो फिर मेंढा का याद दिलाना होगा उन्हें, मेंढा को याद करना होगा। अगर ये मैच में आपको 6 चौका या 6 छक्के दागते हैं तो हाइजन करता हूं की तरफ से देखिए खास मेंढा, और देखते हैं क्या मेंढा का ताकत यहाँ पर दे पाएंगे बल्लेबाज। लेकिन मेंढा के पास काफी ताकत होता है, चलिए अगर तन्नू भी लगाते हैं तो उनके लिए भी 500 रुपया। लेकिन तन्नू देखिए 4 ओवर खेल गए लेकिन आखिरी ओवर, ओ यहाँ पर भी कैच था और डायरेक्ट हिट का मौका था, दूसरे के लिए मौका बना यहाँ पर तन्नू को, और ये चलिए ओवर थ्रो हल्की से क्राफ्ट फील्डिंग मौका बनाए थे, ये अच्छा थ्रो मैं कहूंगा, कोई बुरा नहीं था, अगर तन्नू का विकेट गिर जाता तो मुश्किल बन सकता था। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 23-23, चाहेंगे यहाँ पर कम से कम 40 तक पहुंच जाए, 23 रन बना है। और यहाँ पर देखिए 6 चौके 6 छक्के इस मैच में, ये इनिंग्स के लिए मुश्किल है लेकिन हर छक्के के लिए देखिए यहाँ पर 500 रुपया राया की बात करेंगे खास करके। ईश्वन भाव दलवी साहब देखिए बात करेंगे, जिन्होंने इस मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पर जो बाइक हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक भाई के देखिए निश्चित रूप से खुश रहेंगे यहाँ पर सीरीज तक कौन सा खिलाड़ी पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं कहूंगा आज किसी ने अगर निराश किया तो यहाँ पर तन्नू, देखिए काफी गेंदे खेले लेकिन उनका बंदा नहीं चला, यहाँ पर अप्पू का देखिए विकेट छिला लेकिन उसके बाद देखिए कोई बल्लेबाज यहाँ पर रोक नहीं पाए। और ये चलिए भाई सिंगल डबल से मैंने पहले बताया, टोटल जितना भी आगे आप ले लो मुश्किल बन जाएगा आपको, चौके छक्के की जरूरत है। देखिए देश के असली हीरो जो देश का सेवा करते हैं हमेशा, अगर हम आज राहत की नींदे राहत की चैन ले रहे हैं, इन पुलिसकर्मी की बात करेंगे ये दसरे देश के असली हीरो जवान हैं, जितनी भी मैं उनकी तारीफ करूं शायद उतना ही कम। ये जो सलमान शाहरुख कहते हैं ना वो बेकार के हीरो हैं, रियल हीरो नहीं है, रियल हीरो देखिए अभी जो तस्वीर रखते हुए देश के लिए जो जान देते हैं, जान मिटाते हैं, राहत की सांसें दिलाते हैं। तो चलिए गेंदबाज तैयार फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर तन्नू ने थोड़ा निराश करके रखा है लेकिन आखिरी समय में कुछ उमदा यहाँ पर हवा में गेंद छलक 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 दिखला जा 6 रन किया नहीं जाए। यहाँ पर देखिए छक्के के साथ टोटल जाकर पहुंच गया 30 रन ओवर की बात में, गेंद कितना बचा है, एक गेंद बचा है और तन्नू जी आपने कितना वक्त लगा दिया आने में, कितना देर लगा दिया, लेकिन अगर और एक लगा तो फिर कुछ उम्मीद जागेगा। ये देखिए डर पैदा किया है, वाइड का इजाफा बिन पायल से बजा घुघरू, जिससे कहते ना इचू तेरी पायलों की छमछम है, लेकिन इस छमछम से कुछ नहीं रहेंगे, जानते हैं यहाँ पर स्कोर देखिए कितना, यहाँ पर 31 के ऊपर एक लो स्कोर बनाए। आज तन्नू ने निराश किया लेकिन जानते हैं अपने आप से निराश है, 1 रन बड़ी आसानी के साथ दूसरे के लिए यहाँ पर, और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ इस 2 रनों के साथ। देखिए कुल टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 33-33 रन, 34 रनों का एक छोटा सा टारगेट है लेकिन ये टारगेट देखिए और छोटा आपको बन जाएगा क्योंकि 4 रनों की पेनल्टी जब सामने आ जाती है, 30 बनाना है। लेकिन नितिन सर कहते हैं ना भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है, भलाई यहाँ पर 30 रनों के अंदर रोकना है लेकिन ये मत सोचिए आप मुकाबला जीत गए, हो सकते हैं गेंदबाज भी पलटवार कर सकते हैं क्योंकि टेनिस क्रिकेट का इतिहास भी ऐसा है। लेकिन टॉस के लिए चलेंगे प्रेजेंटेशन टॉस बॉक्स की तरफ, रोशन जी संते देखिए जुड़ेंगे जाकर अपर मश्किल और गोरोली पड़ा के बीच में, देखिए होम टीम यहाँ पर खेलेगा एक बिग फाइट मैच, लेकिन उससे पहले चलेंगे यहाँ पर कुछ मेहमान भी तशरीफ रखे हैं नितिन जी कारण सर के पास।
तर राजू शिंदे साहेबांना विनंती होतो की आपल्या शुभसचे टॉस करायचे. उपस्थित आहेत त्यांच्या समेत तुम्ही पाहताय प्रल्हाद वारे साहेब सुद्धा उपस्थित आहेत आणि प्रकाश दळवी साहेब सुद्धा उपस्थित आहेत. सर्व मान्यवरांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. स्वर्गीय एकनाथ शेठ दळवी स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय. गुरुलीपाडा म्हटल्यानंतर आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थाने सचिन दळवी हे नाव भरपूर चर्चेत राहिलेलं आहे आणि त्यांच्या स्वप्नात साकारलेली स्पर्धा आणि त्यांच्या विनंतीस मान देऊन तुम्ही पाहतायत. वनपरिमंडळ अधिकारी फॉरेस्टचे राजू शिंदे साहेब उपस्थित आणि त्यांच्या शुभहस्ते टॉस केला जातोय. श्री प्रल्हाद वारे साहेब सुद्धा उपस्थित आहेत. प्रकाश दळवी साहेब सुद्धा उपस्थित आहेत. या सर्व मान्यवरांचं आम्ही स्वागत करतोय. जाऊया आपण टॉस बॉक्समध्ये. तिथे सज्जेत आमचे मित्र रोशन संते. थँक्यू, थँक्यू सो मच. तर दोन्ही संघाने या टॉससाठी गावदेवी मस्कल आणि एकवीरा स्पोर्ट्स गुरवलीपाडा या दोन टीममध्ये टॉस केला जाईल. साहेबांचे शुभ असते. सामना 5 षटकांचा असेल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. आणि टॉस जिंकलेला आहे तो म्हणजेच गुरवलीपाडा या टीमने. तर शीतपेय द्यायचं आहे. तर साहेबांना विनंती असेल आपण स्थान बनवायचं आहे. दोन्ही संघाने किती जॉईन आहे. टॉस जिंकलाय. प्रथम निर्णय काय असेल. 5 षटकांचा सामना आहे. समोरचा संघ गावदेव मस्कल संघ आहे. तर या संघाला पहिल्या 5 षटकांमध्ये किती धावसंख्येत रोखण्याचा प्रयत्न असेल. 45-50. होम ग्राउंड आहे. एक ऍडव्हान्टेज असेल या स्पर्धेबद्दल या आयोजनाबद्दल काय म्हणणं असेल. आयोजन तर खूपच चांगलं गेलंय. आता पुढच्या वर्षी याच्या चांगला करायचा प्रयत्न करू आम्ही आणि खूप चांगलं करू त्याच्यापेक्षा. तर शुभेच्छा असतील सामन्यासाठी. माझ्यासोबत प्रवीण आहे. टॉस गमावलेला आहे. प्रथम फलंदाजी करावी लागेल. जर तुम्ही टॉस जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय असता. फिल्डिंगच घेतली. परंतु मनाविरुद्ध बॅटिंग करावी लागेल. 5 षटकांमध्ये किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल. आपल्या माध्यमातून देखील मस्कलच्या मैदानावरती खूप मोठी क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहिली होती. परंतु सन्माननीय सचिन शेठ दळवी साहेबांचे स्वप्नातून साकारलेली ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. 1,00,000 रुपये प्रथम क्रमांक आहे आणि या स्पर्धेतील विशेष आकर्षण बाईक आहे मॅन ऑफ द सिरीज साठी. या संकल्पनेबद्दल आणि या स्पर्धेबद्दल काय म्हणणं असेल. संकल्पना तर चांगलीच आहे आणि आयोजन पण चांगलं आहे. तर शुभेच्छा असतील सामन्यासाठी. टॉस बॉक्स मधून माहिती. टॉस जिंकलेला आहे गुरवलीपाडा या टीमने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. वळूया आपण कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये जिथे सज्ज आहेत माझे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ सांगोडे कल्पेश पाटील सर. हॅलो हॅलो चिक. धन्यवाद रोशन सर. धन्यवाद बाबूशाह. आपका भी स्वागत है तहे दिल से. स्वर्गीय एकनाथ शेठ दळवी स्मृती चषक 2021 भव्य आणि दिव्य असं आयोजन. आपल्या भेटीला 4 दिवस या क्रिकेटचा महासंग्राम मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सचिन दादा दळवी, भारतीय जनता पार्टी, कल्याण तालुका युवा अध्यक्ष, डॅशिंग पर्सनॅलिटी आणि त्यांचे संपूर्ण सहकारी नितेश दादा मेयर, कल्पेश शेलार. जाऊ मॅच कडे. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. पहिला बॉल आता फुल टॉस बॉल होता. पॉवर प्लेचा षटक आहे. 34 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं मात्र 4 रनांची पेनल्टी RCC राया टीमला इथं मात्र लावण्यात आलेलं आहे. तर यस 2 धावांची पेनल्टी असेल. तर का ड्रेसिंग कंपल्सरी नव्हती रायती टीमची. तर 2 धावा ऍड केले जाते. इथे मात्र फुलटस बॉल आहे. इथे मात्र पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा. काय फटकाय पहिला सजवलेला होता. वाईडिश मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला खिळून काढलेला आहे 4 धावांसाठी. या स्पर्धेमध्ये 15 बॉलमध्ये 54 धावा काढणारा हा सागर सोरचे आणि त्याच्या बॅटमधून मात्र पहिला चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला आहे.
आपण मात्र विसरून चालणार नाही. मागील स्पर्धेमध्ये 2020 स्वर्गीय एकनाथ श्रद्धाली स्मृती चषकाचा हा आपण जर बघितलं तर चौथ्या क्रमांकाचा पारितोषिक पटकावलेला होता आणि तोच संघ मात्र आज पुन्हा एकदा तोच दरारा घेऊन या मैदानावरती मात्र उतरलेला आहे. गुरुलीपाडा याच्या नंतरची मॅच असेल स्वर्गीय एकनाथ शेठ दलवी क्रिकेट संघ गुरुलीपाडा विरुद्ध गावदेवी क्रिकेट संघ मस्कल 2020 डिफेंडिंग चॅम्पियन संघ आणि त्या संघाविरुद्ध मात्र खेळेल गावदेवी मस्कल टीम. विशाल भोईर यांचा संघ प्रवीण कॅप्टन आपण बघितला चर्चा केली रोशन सद्दे सरांनी की 5 षटकांचा सामना आहे आम्ही नक्कीच 60 ते 65 धावा आम्ही काढू परंतु या क्रिकेटमध्ये जर आणि तरला मात्र महत्व नाही आपण पाहणार आहोत या इनिंग्स नंतर. पुढचा बॉल अतिशय चांगला गोलंदाजी मात्र पाहायला मिळतोय खाली ठेवण्याचं काम मात्र केलं जातोय गोलंदाज अप्पूच्या माध्यमातून 22 रुपयाने एक धाव मिळतोय अप्पूच्या माध्यमातून. जर विचार केला आरसीसी राय टीमचे जर कुठेतरी मात्र आज बॅकफूटला जाऊन मात्र संघ खेळत होता जास्त मात्र आपल्याला धावा पाहायला मिळाली परंतु क्रिकेटमध्ये कमी धावा सुद्धा मात्र रोखू शकतात तशा प्रकारची गोलंदाजी केली तर. मात्र सागर सुरुचाई 3 बॉल मध्ये मात्र 5 धावांवरती खेळतोय आणि हरेश फुलटस बॉल होता इथे मात्र नो बॉल पंचांनी घोषित केलेला आहे आणि मात्र दिवाळी खूप दूर आहे आणि आता मात्र बोनस दिलाय तो अप्पूने मिळतील 5 धावा ते रायते 11 रायते टीमला. नक्कीच बाबू शाह कहते ना बिना पायल के बजे घुंगरू ये तो बहुत मजा आएगा आज के दिन आरसीसी राय टीम जब खेलते तो उनके दर्शक भी बहुत रहते इस मैच को देखने के लिए लेकिन आज ना कुछ कह है दर्शकों को भी ज्यादा रन नहीं मिला इसी के बाद रन आउट के रूप में और डीजे नागेश है हमारे साथ में और आज तो बहुत ही बढ़िया मजा आएगा इस टूर्नामेंट देखने के लिए खास करके तो हीरामन खरखरे डांसिंग अंपायर आज तीसरे दिन में जुड़े हैं हमारे साथ उसका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं. और नेक्स्ट इनिंग्स में हमको देखना पड़ेगा रोशन सर अच्छे से अंपायरिंग करते हैं जहाँ पर हम स्पर्धा देखते हैं वहाँ पर नितिन कालन सर है उसका भी स्वागत करना चाहते हैं हम और सुभाष पाटिल मेन अंपायर है काफी बढ़िया संदर्भ के जहां पर टूर्नामेंट रहते हैं काफी बढ़िया अंपायरिंग गिरी रहती है उनकी. सही बात है नितिन सर आपने जो पहले दिन पे कहा था ज्यादा इधर मतलब सुभाष पाटिल की मांगने रहती है और पहले ओवर का खेल खत्म हुआ इस मैदान में और देखते हैं स्कोर कितना हुआ है. स्कोर बोर्ड पर 13 रन मतलब 32 रन बनाने हैं दोनों टीमों को 2-2 रन की पेनल्टी मिले. पहले दिन देखा तो ड्रेसिंग के रूप में मतलब वीर तानाजी दापोड़ी टीम को 2 रनों की पेनल्टी मिली थी और उसके बाद गावदेवी वसार टीम को ये नहीं बोलना चाहिए रोशन सर और आज रायते टीम को तीसरे दिन में मतलब पेनल्टी मिले ड्रेसिंग कंपलसरी नहीं. पहले ओवर का खेल खत्म हुआ और स्कोर देखते हैं 13 रन तो देखते हैं रायते टीम 2 रनों की पेनल्टी भी इसमें ऐड किया है तो ये देखना है आपको 32 रनों का टारगेट रखा है.
34 रनों का टारगेट रखा है, दो रनों की पेनल्टी। आज कल्याण ग्रामीण के आज टीम रहेगी, कल देखा हमने उनका 11 टीम ने क्या कमाल की पारी खेली थी, अनिकेत ने अच्छे गेंदबाजी की थी। अंतिम क्वार्टर फाइनल के मैच में 6 गेंद पे 11 रन नहीं बना दिए, रोक लिए हैं, उसकी भी तारीफ करना चाहूंगा मैं। और अच्छे के अच्छे खिलाड़ी भी कल हमने देखे कल्याण ग्रामीण के, आज भी 8 टीम रहेगी कल्याण ग्रामीण के, और बाद में एक पहला सेमीफाइनल मुकाबला अपने को देखने को मिलेगा। ये देखिए काफी बढ़िया स्ट्रोक है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और क्या कैच को लपकाए, और एक विकेट का पतन रायता टीम को। बाबू शाह बोलते ना, झूठ बोले कौवा काटे, ये तो सही बात है। आज भी काफी खुश रहेंगे दर्शक, आज बात सुनाएंगे बाबू शाह की, अच्छे कमेंटेटर है रायगढ़ में, अच्छा अच्छा आवाज हमको सुना देते हैं, देवी सा पाड़ा जैसे बिलोंग करते। बाबू शाह आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है इस टूर्नामेंट में, स्वर्गीय एकनाथ दलवी स्मृति चषक 2021, और तीसरे साल में एक टूर्नामेंट मत दिखते। इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वाए सम्मानीय सचिन दत्त दलवी हमारे वीआईपी डाइज पर बैठे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, और उनके साथ में यशवंत भाऊ गणपत दलवी पंचायत समिति के माजी उपसभापति, उनकी तरफ से इस टूर्नामेंट के लिए जो मैन ऑफ द सीरीज है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक निंजा जो हमको स्पॉन्सर किए है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। और चलते हैं दोस्तों मैच की ओर, मैदान की तरफ। यहाँ पर स्कोर हुआ है 13 रन, और मुन तो आया दूसरी गेंद, मतलब दूसरा ओवर लेके, तो जल्द से जल्द फील्ड सजनी है राय टीम, ज्यादा वक्त ज्यादा समय नहीं लेना है। अंपायर को भी गुजारिश रहेगी 25 मिनट का टाइमिंग है और आपका सेट करने का है, इसके बाद देखना है अंपायर की तरफ। अपील बहुत जोर से दे, लेकिन उतना ही उत्साह होता अपील में, लेकिन डॉट बॉल की यहां पर देखने को मिला। पहली गेंद पर एक विकेट बुंतु के गेंदबाजी, बल्लेबाजी देखी बुंतु की, तो इतना ज्यादा प्रभावित नहीं किया बल्लेबाजी में, हम देखा तो आरसीसी राय टीम ने, और जहां पर मैच रहते नितिन सर, तो आरसीसी राय टीम के दर्शक बहुत रहते, और मैच देखने को भी मजा मिलता है। ये देखे आवाज, जब भी गेंद छूटती है हाथों से तो राय टीम के खाली दर्शक का आवाज आता है, और विवेक इंटरप्राइजेस हमारे जो हमने के स्टैंड है हमारे दाएं बाजू में, वहां पर बहुत सारे प्रेक्षक हैं, राया टीम के समर्थक, और जल्लोष काले आवाज आ रहा है। एक रन मिलेगा रायते टीम को, और जोड़ी है देखते तेज हरेश और वैष्णव की, स्ट्राइक पर है वैष्णव, वैष्णव गोडाउन में है, वैष्णव भूर में आप देखते हैं रायगढ़ के, रायगढ़ एक्सप्रेस के, काफी अच्छी गेंदबाजी है वैष्णव भूर की। यहाँ पर लेग बिफोर के अपील, लेकिन अंपायर वहां पर है उमेश कहने सर, बिल्ली बाउंडिंग के रूप में नितिन सर ने पहले ही कहा, काफी अच्छा अंपायरिंग गिरी करते हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मान्यता प्राप्त के है पंच, आज तो खास करो अपने को देखने को मिलेगा हिरामन खरकर को डांसिंग अंपायर। ये देखे गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी बाबू शाह, इसी के तरह से गेंदबाजी करेंगे आरसीसी राय टीम, तो जरूर ये टीम काफी रोमांचकारी सामना तो देखने को मिलेगा।
ये दूसरा मैच है आज के दिन का, तीसरा मैच रहेगा मस्कल और स्वर्गीय एकनाथ दलवी क्रिकेट संघ घोरोली पाड़ा के बीच में। होम ग्राउंड पर खेली जाएगी ये मैच और 2020 का डिपेंडिंग चैंपियन टीम है घोरोली पाड़ा। दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है मैदान में और स्कोर देखते हैं 15 रन। क्या कमाल की गेंदबाजी की है, एक बार जोर से ताली बजानी है मुंतु को, खाली 2 रन दिए, काफी बढ़िया कमाल की गेंदबाजी। उन्नीस रनों की चुनौती, क्या कमाल की गेंदबाजी की है मुंतु ने, एक विकेट देकर खाली 2 रन खर्च किए पावर प्ले के दूसरे ओवर में। पहले पावर प्ले के ओवर में 11 रन खर्च किए थे अप्पू ने, थोड़े से महंगे साबित हुए थे लेकिन एक विकेट जरूर निकाला था पप्पू ने। जो सागर की विकेट थी, सागर के 2020 में मैं बात करूं तो 14 गेंद में 54 रनों का अर्धशतक यहाँ पर झलकाया था और चौथे क्रमांक के पारितोषिक मिले थे रायती टीम को। यही नहीं भूलना चाहिए रायती टीम को, अच्छी टीम है कल्याण ग्रामीण में और आरसीसी राय टीम भी अच्छी है। और जितने भी टूर्नामेंट नीतीश सर हमने देखे तो आरसीसी राय टीम ने जीते है, आरसीसी रायती टीम ने जीते है आरसीसी राय टीम को। रन हुए यहाँ पर 15 रन, जितने को चाहिए 19 रन, 18 गेंदे और 19 रन चाहिए जितने के। और अख्तर को गेंदबाजी के लिए बुलाया, पहली गेंद अच्छी गेंद, वहां पर वेरिएशन अच्छा है अख्तर का, जहां पर देखते हैं अख्तर को अच्छी गेंदबाजी मिलने को देखते हैं। और पहली गेंद ऊपर डॉट निकाली है, मैं काफी तारीफ करना चाहूंगा अख्तर की, बल्लेबाजी में तो बल्लेबाजी नहीं की लेकिन उसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी अपनी टीम के लिए। यहाँ पर देखता है काफी बढ़िया स्ट्रोक है लेकिन गेंद हवा में है, देखता है खिलाड़ी गेंद के नीचे क्या हुआ। बार बार कहते हैं ना बजे पायल के घुघरू और बाबूशाह कहते हैं बिना पायल के बजे घुघरू ऐसे कहते हैं। और अपने यहाँ पर कैच छोड़े और 2 रन रायती टीम को मिलेगी। और स्कोर यहां पर 17 रन। इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला अपने को देखने को मिलेगा। इसी गेंद को उठाया है और एक गेंद हवा में, देखना है दो खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक क्या छुट्टा हुआ, क्या हो रहा है बाबूशाह यहां पर, कुछ तो खुजली नहीं चिंगू चिंगू हो रहा है यहां पर। हर एक गेंद पर कैच होते और कैच छूटती है, ये देखे समर्थक राया टीम के समर्थक बहुत जल्लोष करते। गेंदबाजी तो अच्छी हो रही है लेकिन साथ नहीं अच्छी मिल रही है उसके। 2 रन मिलेंगे, 19 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर और 15 रनों की और भी दरकार आ रहे। अगली गेंद अड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन काफी बढ़िया गेंद रहे, थोड़े से बाहर निकलने के बाद विकेट कीपिंग तेजा 50 साल के और काफी क्रिकेट खेल चुके हैं अपने राया टीम के लिए। और कल्याण ग्रामीण की बात करूं तो एक अच्छी टीम है, 2-3 साल से बात करूं तो काफी अच्छी टीम है टीम। और एक गेंद हवा में है खिलाड़ी गेंद के नीचे लेकिन तीसरी बार यहां पर कैच छुटाए चिंगू चिंगू, ये तो काफी बढ़िया है।
मैदान में क्या हो रहा है ऐसा सब दर्शक और प्रेक्षक देख रहे। बाबू शाह से तो मैं एक सवाल तो पूछना चाहूंगा। बाबू शाह जुड़ना है हमारे साथ में। हेलो 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 हेलो, ले चलते कुछ बात नहीं है बाबू शाह। तीन बार तो कैचेस उठाए, ये हैट्रिक हुआ है बाबू शाह। हेलो हेलो, आप बिल्कुल कल्पित जी, देखिए जिस तरह के क्या छोड़ रहे हैं ना, जैसे कहते ना अगर शेर के पूछ में अगर पैर मारोगे ना पप्पी नहीं मिलेगा, सीधा झप्पी मिलेगा। सही बात है। यहाँ पर आगमन हुआ है अशोक जीत दलवी, यहाँ पर गुरोली के उद्योजक है। कल्पित जी बॉल रन कितना भी जरूरत है, चलिए छह रन दिखी गया, कैच नहीं गया, कैच के साथ में वहां पर छह रन गया। सही बात है बाबू शाह, यहाँ पर आकर के इस ओवर में छह रन खर्च किए और ड्रिंक ब्रेक लेके जाने गए। कि मैं कभी भी जिक्र करता हूं किसी भी मैदान के पर, देखिए अगर इस महाराष्ट्र में नहीं पूरी दुनिया में अगर आज टेनिस क्रिकेट जिंदा है ना, इन हस्तियों की ताकत है। सचिन दलवी साहब देखिए, दोपहर का मैं कहूंगा यहां पर से समय हो चुका है मेहमानों का। देखिए हेलो, कितने लोगों के दिलों में देखिए राज कर रहे हैं कि आज के वक्त में देखिए पैसा हर के पास है, पैसे के खजाना पड़ी है बैंक बैलेंस, लेकिन जो इंसान को कमाना ये मुश्किल बात है और उन्होंने ये करके दिखाए हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ हर जंगल में चंदन नहीं होते हैं, हर शहर में सचिन दलवी साहब जैसे इंसान नहीं होते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। सही बात है बाबू शाह, पैसा तो बहुत है सबके पास, लेकिन ये मजा नहीं मिलेगी जैसे सचिन सेठ ने जो आयोजन किया है, काफी बड़े आयोजन है इस टूर्नामेंट का। आप बिल्कुल देखिए, टूर्नामेंट का कला आखिरी दिन टीम देखिए, आप ठाणे डोंबोली से देखिए ताकतवर टीम, ऑकलैंड टीम देखोगे, नवी मुंबई से धारावी देखोगे, गोरसाई देखिए, भिवंडी से टीम देखोगे, तो टूर्नामेंट का आखिरी दिन देखिए यहाँ पर, और इतने सीरीज देखिए, बाइक देखिए आप देख सकते हो। ट्रॉफी मैंने पहले ही बताया कि इस ट्रॉफी को लेने के लिए खुद कप्तान तो कहेगा भाई नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा भाई, पूरा टीम को बुलाया जाएगा ना, वो भी कहेगा नारे बाबा ना, और पूरी गाँव को बुलाना पड़ेगा पहला नंबर ट्रॉफी उठाने के लिए। कल तो ऑकलैंड टीम को देखना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में, कल खेलेगी एक अच्छी टीम है कल्याण डोंबिवली में। और बिल्कुल वो तो सही है, लेकिन आगे देखते हैं ये मुकाबला क्या हो रहा है। लगातार देखिए यहाँ पर क्या छूटते जा रहा है, और अभी भी देखिए 12 गेंद बचा है जीत के लिए कल्पेश जी, 13 रनों का जरूरत है, कंपल्सरी चेसिंग। सोचिए वहां पर तीन कैच में अगर दो भी कैच लिया जाता था तो 4 रन बचता था, यहाँ पर मुकाबला मुश्किल होता था। लेकिन सर आयत टीम को भूल जाना चाहिए, जो कुछ हो गया उन्हें यही सोचना चाहिए इस पर, ये मैच का पर्दाफाश पर, जिसे कहते हैं ना उजाला में मिल ही जाता है कोई ना कोई, तलाश करो ऐसे इंसान की जो अंधेरे में साथ दे। मुश्किल समय है यहाँ पर राया टीम के लिए भी और रायते टीम के लिए, यहाँ से जो टीम अच्छा काम करेगा जीत लगभग तय। क्या बात है, तो 12 गेंदों में 13 रन चाहिए रायते टीम को जीतने के लिए, मैच तो बड़ा मुकाबला होने वाला है। कल्पित जी मेरे हिसाब से लगता है अभी भी रायते के हाथ में मुकाबला बैलेंस, क्योंकि एकाक चौके छक्के से मैच का नक्शा बदल जाता है। नहीं सही बात है बाबू शाह, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते हम। बिल्कुल क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, देखते ही ऐसा होता है। अगर राया टीम हारता है तो काफी सवाल उठेगा, लेकिन से रायते टीम हारता है तो फिर बहुत सवाल उठेगा। सही बात है, ये रायते टीम हारते है तो रात भर नहीं सोएगी आज। नहीं रात तो छोड़िए, अभी दोपहर का तो जीना आराम कर देंगे, क्योंकि जो समर्थक जो रहते हैं ना गांव के, मैंने पहले ही बताया कि पूरी फैमिली नहीं पूरा गांव आपके साथ रहता है, लेकिन लो टोटल्स है। और कल्पित जी इसलिए तो मैं कहा था कि भैंस ने जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है, और देखिए नतीजा वही देखने को मिल रहा है। ये तो बात सही है, तो गणेश देसले का यहाँ पर आगमन हो चुका है, उसका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है स्वर्गीय एकनाथ शेठ दलित स्मृति चषक 2021। यहाँ पर अच्छी गेंद थी, देखना है स्ट्रेट ड्राइव खेला है, काफी गेंद दूर गई है, और देखना है इस गेंद पर मिलेंगे रायते टीम को 4 रन फॉर द 4 लाइन। काफी बढ़िया मिले हैं रायते टीम को, और स्कोर यहाँ पर 25 रन, 12 गेंद में 13 रन चाहिए थे, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए थे।
मुंतू है गेंदबाज और मुंतू के गेंद हाथों में गेंद सौंपे, लेकिन पहली गेंद पर यहाँ पर चौकर मिला है। दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर कर दिया है बल्लेबाज हरीश ने। यहाँ पर रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहता था और क्या हुआ, अच्छा कैच हुआ पर लपका और एक विकेट का पतन रायते टीम का। बाबूशा लेकिन विट का जवाब पत्थर से यहाँ पर दिया है। पहली गेंद पर चौकर आया लेकिन हरीश का यहाँ पर रास्ता साफ कर दिया है। अब बिल्कुल मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा ऐसा लग रहा है अगर ये ऊपर अच्छा निकला। अंपायर देखिए बता रहे हैं थोड़ा फील्ड खोल दीजिए और रायते टीम देखिए यहाँ पर उन्हें कम डॉट गेंद खेलना होगा नहीं तो मुश्किल बनेगा। कल्पित जी जैसे कहते ना अगर सांप से दोस्ती कर लो तो सपेरा से खतरा, अगर डॉट गेंद से दोस्ती करो तो मुश्किल बनेगा। और राया टीम का तारीफ करना चाहूंगा एक लो स्कोर को क्या फाइटिंग देते हुए, उनकी गेंदबाजी की जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम। और देखिए पूरी टूर्नामेंट आप तभी जीत सकते हो जब आपके पास गेंदबाजी ताकत हो। सही बात है लेकिन स्कोर यहाँ पर कम है लेकिन एक फाइटिंग मुकाबला देखने को मिला है जिसके सामने वाली जो टीम है आरसी से राया टीम अच्छी टीम है यहाँ पर कल्याण ग्रामीण की और अंतिम तक यहाँ पर मुकाबला छोड़ने वाला नहीं है बाबूशाही क्योंकि मुंतु है जो गेंदबाज दूसरे ओवर में खाली दो रन दिए थे और एक विकेट चटकाया था उसे मुंतु को वहां पर इन्वाइट किया है। ओ यहाँ पर काफी बढ़िया कमाल के एफर्ट्स कमाल का, जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम। भलाई कैच नहीं ले पाए लेकिन चौके बचाए, तीन रन तो बचा लिए अपने टीम के लिए। सही बात है 100 तक की कमिटमेंट के जो है वहां पर फील्डर ने दिया है। बिल्कुल इसलिए तो देखिए उनके साथी फील्डर उन्हें बता रहे हैं बेटा मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ये तेरी अमानत है। बहुत अच्छी मेहनत है, बड़ा अच्छा एफर्ट्स यहाँ पर और आज दर्शक भी बहुत काफी है। यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर कैच लेगा उसी को 200 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। चलिए मैडम मनीषा की तरफ से गेंद रन कितना यहाँ से रह गया, 8 गेंदों में 9 रन चाहिए बाबूशा सर, 8 गेंदों में 8 रन चाहिए। चलिए फुलटेज यॉर्कर इसे कहते हैं, एक रन आसानी के साथ देखते देखते यहाँ पर दूसरे के लिए और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। अच्छी यहाँ पर रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच में। कल्पित जी सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हर गेंद के ऊपर आपको रन बनाना होगा। सही बात है और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी रायती टीम को, उसी तरह से जो गेंदबाजी कर रहे है अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे मुंतु और 7 गेंदों में 6 रन चाहिए जीतने के लिए। काफी बढ़िया मुकाबला हुआ यहाँ पर, लो स्कोरिंग मैच था लेकिन दर्शक भी यहाँ पर देखते रहे इस मुकाबले को, काफी बढ़िया मुकाबला है। मुंतु है कड़वले इनके, ओहो इसी तरह से देखते हैं काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर शॉर्ट टर्मन के तरफ। और कल्पित जी मेरे हिसाब से इस फील्डर का नाम लिख लीजिए, रन तो बनाने ही है लेकिन अगर ये मैच जीतते हैं तो मैं तो कहूंगा इनकी तरफ जाना चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 चौके उन्होंने बचा दिए। बाबू क्या बात है आजकल हमारा ही दिन चल रहा है। बाबू शाह आपका भी नाम हुई है और जो फील्डिंग किया है वहां पर उसका भी नाम बाबू है तो बाबू तो बहुत अच्छा है आज दिन। अभी देखिए 5 रनों का जरूरत है, अगर यहाँ चौका निकल जाता तो 2 रनों का जरूरत है, मुकाबला समाप्त हो गया लेकिन अभी भी देखिए मुकाबला बैलेंस है। अगर पहले 2-3 गेंद कहीं डॉट विकेट निकल गए तो फिर मुश्किल बन जाएगा। देखिए ये विकेट जिस तरह से खेल रहा है ना मुझे लग रहा है अगर आपने यहाँ पर फुल लेन का गेंद है ये अगर आपको कम करना होगा, अगर फुल लेन का गेंद करने जाते हो तो बल्लेबाज को आसान से सिंगल डबल मिल रहा है, बल्ले का कहीं भी एज लेकर देखिए रन आ रहा है लेकिन देखते हैं यहाँ पर गेंदबाज कितना संयम रख पाते हैं आखिरी ओवर। सही बात है बाबूशा यहाँ पर लेकिन 6 गेंदों में 5 रन की दरकार आ रहे और उसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को, रुकना है तो बिल्कुल। चलिए 6 गेंद 5 की जरूरत है, फील्ड खोल दीजिए। रायते टीम के दर्शक भी देखिए उम्मीद रखे हैं, जैसे कहते ना रख भरोसा खुदी पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहां होते हैं नक्शे फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते, लेकिन रायते के पास देखिए नक्शे है यहाँ पर 5 रन उन्हें ढूंढना है 6 गेंद के ऊपर लेकिन हर गेंद के ऊपर कांटे बनकर यहाँ पर गेंदबाज उभरेंगे। और नितिन कारण सर ने बता दिया जो अभी
जिस सिंह से बल्लेबाजी हो रही थी वहां से रन आना थोड़ा आसान था, लेकिन अभी जिस सिंह से बल्लेबाजी हो रही है शायद यहां से बड़ा शॉट थोड़ा मुश्किल है, जहां पर क्या देखिए तीन कैच छूटा था इस सेंस से। सही बात है बाबूशा सर यहाँ पर, लेकिन आदिप को बुलाया है अंतिम ओवर लेकर और छह गेंदों में 5 रन तो बचाना है उनको ये मैच जीतने के लिए। 6 गेंदे और 5 रन जीतने के लिए चाहिए रायते टीम को। बल्लेबाज है वहां पर वैष्णव और जयेश। चलिए बिल्कुल से बात करेंगे राइटर टीम लीजिए बालाजी एक हमारे अच्छे दोस्त केतन लीजिए नीलेश जी सुरेश मैंने उनका भी जिक्र किया और अगर इस मैच को देख रहे होंगे थोड़ा निराश रहेंगे होंगे पूरे समर्थक है राया के दर्शक देखिए थोड़ा सा खुशियों का लहर आया होगा। सही बात है बाबू यहाँ पर जहाँ पर मैच शुरू हुआ ऐसा लगता था सागर ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया था ये मैच जल्दी खत्म कर लेंगे ऐसा लग रहा था ये। चलिए यहाँ पर कल्पेश जी मुझे अभी भी लगता है अगर मुकाबला शायद दो गेंद में समाप्त हो सकता है अगर गेंदबाज ने खराब गेंद डाल दी तो दो गेंद में समाप्त होगा अगर अच्छे गेंदबाजी हुआ तो फिर आखिरी गेंद तक जाएगा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लेकिन उसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी अधिक को 5 रन तो जरूर बचाना है अपने टीम के लिए। टिटवाल आयन की तरफ से राउंड द विकेट से गेंदबाजी करनी होगी। पहली गेंद हवा में है देखता है खिलाड़ी गेंद के नीचे ये क्या हुआ चिंगू चिंगू और विकेट का पत्ता यहाँ से मैच का हालत ऐसा बन चुका है देखिए क्योंकि 5 गेंद 5 की जरूरत है यानी ये मैच कांटों का हो चुका है। यहाँ से राया टीम के दर्शकों का धड़कने बुलेट ट्रेन के जैसे जो ट्रेन जा रही है धक 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 और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है जो कोयला को कोहिनूर बना देती है। आने वाला 5 गेंद 5 की जरूरत है सोचिए अगर और एक दो गेंद पर रन नहीं आया तो फिर मैच में मच जाएगा सनसनी। सही बात है लेकिन ये ट्रेन जा रहा है इधर से काफी बढ़िया नजारा है इस मैदान के बाजू में और आगमन हुआ है उंबारनी के उद्योजक सम्मानीय राकेश जी पाटिल साहब आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत का स्वागत है इस टूर्नामेंट में। पहली गेंद पर विकेट और 5 गेंदे और 5 रन चाहिए जीतने के लिए। बाबूशाह सर हमारे साथ में जुड़े आज के दिन काफी दर्शक भी खुश है उनका आवाज सुनते हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ इस टूर्नामेंट के। आदिप ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है गेंद यहाँ पर देखना है क्लीन बॉल क्या हुआ यहाँ पर बाबूशाह और दूसरी विकेट। कल्पेश जी यहाँ पर मैच ऐसा बन गया जिससे कहते हैं ना लैला के शादी में लफड़ा हो गया और मजनू नाचा के लंगड़ा हो गया लैला और मजनू विकेट लगातार 2 गेंद के ऊपर 2 विकेट से मैच का रिजल्ट बदल देगा लेकिन अभी भी कहूंगा एक शॉट का जरूरत है एक यहाँ पर है कल्पना वागेरे मैडम जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत हुआ है आगमन हुआ है। तर याच दरम्यान शुभ आगमन झालेलं आहे कल्पनाताई वागेरे मॅडम यांचं मनपूर्वक सहर्ष असं हार्दिक स्वागत। फॉरेस्ट विभागाचे मेन साहेब आहेत त्यांचं या दरम्यान आगमन झालेलं आहे त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष असं हार्दिक स्वागत। और कल्पेशजी देखिए आदिप यहाँ पर हैट्रिक के कागर पर पहुंच गए हैं और क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। आदिप ने बता दिया भाई उजाला मिल जाए राया टीम को मैं अपना घर भी दूंगा घर भी जला दूंगा घर भी जला दूंगा यानी अपनी टीम को दिलाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने का कोशिश है। आने वाला हर गेंद है 5 का जरूरत है चलिए फील्ड खोल दीजिए। हेलो तो बघा या मॅच साठी जवळजवळ आपण पाहिलं तर 1 तास पेक्षा जास्त वेळ गेलाय दोन्ही इनिंग साठी जरा करायची राया संघही आपल्याला सूचना असेल नक्कीच पंचांना विनंती असेल दोन्ही ऑफिसर पंच आपण टायमिंग लावूनच टायमिंग सेट करूनच सामना चालू करायचा आहे आज आपल्याला सेमी फायनलचा सामना खेळवत। बिलकुल कल्पेश जी नितिन जी आपने अच्छी बात कही है बहुत समय जा रहा है ऐसा लग रहा है जो बंगाल का इलेक्शन ना वो चल रहा है ऐसा लग रहा है।
ए बात तो सही है बाबूशा सर, ज्यादा समय लेना नहीं है, जहाँ पर हम काम आप काम करते, तो यहाँ पर हैट्रिक पर है अधिक देखना है। यहाँ पर फिर बार एक गेंद हवा में है और ये पहली हैट्रिक इस टूर्नामेंट की, और क्या कमाल की गेंद। यही बात कर रहा था कल्पेश जी के लैला के शादी में लपड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा लंगड़ा हो गया, लेकिन अभी भी देखिए मैच जिंदा है, अभी भी देखिए तीन गेंद बचा है, बिल्कुल एक ही बड़ा हिट लगाने का जरूरत है। सर में कफन बांध के उतरना होगा, कहते ना तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। सही बात है बाबूजा। देखिए आरसीसी राय टीम को आपको गुजारिश है ज्यादा समय नहीं लेना है, तीन गेंदों पर तीन विकेट और मैच यहाँ पर क्या हुआ है बाबूशा सर, काफी बढ़िया मुकाबला देखने को मिला है। हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर कह सकते हैं हम बिल्कुल से। और दर्शक तो हमेशा कल्पे जी आते हैं, वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो, एक टक्कर भरा मुकाबला देखने के लिए। और वो टक्कर भरा मुकाबला मुझे लग रहा है आज इंग्लैंड जो हिंदुस्तान के बीच में आखिरी टी ट्वेंटी मुकाबला होना है ना, तो शायद उससे पहले ये ट्रेलर देखने को मिल रहा है। सही बात है बाबूशा सर, क्या मैच हुआ है आज, हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे कहते हैं उसी की तरह से मैच हुआ है। और आदिप ने तो क्या कमाल की गेंद की, कमाल की गेंदबाजी भाई। राइट इलेवन राइट टीम थोड़ी से परेशान रहेंगे, लेकिन जानते हैं एक लग गया बड़ा हिट तो मैच को कर दिया समाप्त। ये देखिए ओहो हो कल्पेश जी, राइट टीम तो यहां से कहेंगे भाई तू पान खा जुल्फी बना लेकिन शराब पीना छोड़ दे भाई, चौके लगा छक्के लगा डॉट गेंद खेलना छोड़ दे, डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा। सही बात है सर, और इसी की तरह से जो गेंदबाजी हो रही है कमाल की गेंदबाजी है अदीप की, कमाल की गेंदबाजी, पूरा क्वारंटाइन में ले लिया बल्लेबाज को। सही बात है, लेकिन दर्शक कहां पर है आरसीसी राय टीम के, चलिए वो दिखेंगे, खाली मैच तो जीत लेने दीजिए, लेकिन अभी तक ये कहना मुश्किल है क्योंकि मैं अभी तक ये नहीं कहूंगा कि राय टीम मैच जीत गया, लेकिन जो कहूंगा ना यहां पर 50-70 का था ना प्रतिशत, यहां से कहूंगा थोड़ा सा राया की तरफ मैच झुकता हुआ। दो गेंद देखिए अभी भी पांच की जरूरत है, अगर कंपलसरी चेसिंग देखिए चौके भी जा ना फिर भी एक रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है सर, लेकिन दो गेंदे बचे और पांच रन चाहिए जीतने के लिए, हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर देखने को मिला है। आदिप ने क्या गेंदबाजी की अभी तक, और इस टूर्नामेंट की पहले विकेट हैट्रिक लेने वाला एक गेंदबाज रहा है आरसीसी राय टीम का, दो गेंदे और पांच रन ये देखने का है, काफी बढ़िया गेंद देखना है यहाँ पर क्या हुआ है मैदान में। सिंगल तो लेना चाहिए था कल्पेश जी मेरे हिसाब से, गलती की है क्योंकि छक्का देखिए इसे इनसे मुश्किल हो रहा है, और राया टीम के दर्शक देखिए जब उनका रन बना था ना कुछ दर्शक मुस्कुराकर बाहर निकल रहे थे। ये तो बात है बाबूशा, आसमान से टपका और खजूर में अटका, बिल्कुल गेंदबाजी की है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते ना जिसपे लोग हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं, और ये देखिए राया टीम बीत करके दिखा दिया, लेकिन राया टीम मैं यहाँ खराब क्रिकेट कहूंगा। सही बात है सही बात है, एक गेंद और पांच रन जीतने के लिए चाहिए, कंपल्सरी चेसिंग है और ड्रेसिंग भी कंपलसरी है इस टूर्नामेंट की। चलिए राया टीम देखे कितना खुश है और क्यों ना खुश हुए, मैच कहां का मैच कहां पहुंचा गया देखिए यहां पर से, मैंने बता दिया कि ये मैच बंगाल के इलेक्शन के जैसे रंग खेल रहा है, पांच गेंद लगातार देखिए रन नहीं, क्या कमाल की गेंदबाजी, और ये गेंदबाज का तो कहूंगा आज बहुत बेहतर दिन है, आज मैच हारे या जीते दिल तो जीत ले गए इस गेंदबाज ने। सही बात है सही बात है, ये तो कभी सोचेंगे भी नहीं रायती टीम, ये क्या हुआ है, छह गेंदों में पांच रन चाहिए थे लेकिन अभी तक पांच गेंदे डॉट फेंके है बाबूशा सर। पर बघा आरसीसी राय टीम अपन जास्त वेळ घेऊ नका, राया टीम अपन शत्रक्षण सजवायचंय लगेच। चलिए राया टीम अगर मुकाबला हारते हैं तो कल्पेश जी क्या कहूंगा मैं यहाँ से, वही पेनल्टी चार रन देखिए, अगर वो रहता तो नतीजा अभी कहाँ रहता। रियाज दरम्यान शुभ आगमन झालेलं आहे किशोर मांजरे साहेबांचं, ज्यांनी मात्र आम्हाला या स्पर्धेसाठी कोल्ड ड्रिंक जी मात्र स्पॉन्सर केलेलं आहे, आणि विद्यमान सदस्य सुद्धा आहेत ते ग्रामपंचायतचे, एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक सहर्ष असं हार्दिक स्वागत
या स्पर्धेच्या माध्यमातून। चलिए दर्शक आखिरी गेंद के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली, आउटस्टैंडिंग। कल्पेश जी कहते ही ना, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा गुरु, पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। लेकिन रायते 11 रायते टीम के इस खिलाड़ी के लिए मौका है, कहते ना फटा पोस्टर निकला हीरो है के हीरो बनने का मौका है, और क्रिकेट में ये मौका आखिरी नंबर के खिलाड़ी तक रहता है। सही बात है, सही बात है, यहाँ पर हीरो बनना है, किसी को तो हीरो बनना है आज। क्या बात है, कल्पेश है स्ट्राइक पर, कहते ना आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है। और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए आठवां दसवां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है। और एक देखिए कल्याण क्रिकेट के हीरो मैं कहूंगा अनिल म्हात्रे, देखिए कितनी अच्छी टॉस में, भला ही उनके घर पे बाइक नहीं आया है लेकिन क्या काम उन्होंने किया है, एक संदेश दे दिया है। आने वाला साल, इस साल तो कोरोना वायरस है, हर चीज से सामने को करना पड़ रहा है, तो चलते चलते हैं सर। चलिए जोरदार ताली होना चाहिए कल्पेश जी इस मैच के लिए, जोरदार ताली होना चाहिए। एक गेंद और 5 रनों की दरकरार, और दर्शकों की धड़कने, बुलेट ट्रेन धक 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 धक, और ये चलिए राया टीम छा गया गुरु, गेंदबाज को कहां उठा लिया, और थोड़ा ऊपर उठाइए। काफी बढ़िया मैच, अंतिम गेंद पर यहाँ पर 5 रन चाहिए थे लेकिन मैच जीत लिया है आरसी से राय टीम ने, ऐसा सोचा भी नहीं था आरसी से राय टीम ने ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन एक क्रिकेट है सर, और काफी बढ़िया यहाँ पर मैच देखने को मिला। तो चले चलते हैं दोनों टीमें, तर या सामन्याचा मैन ऑफ द मैच आहे एकदा जोरदार ताली आदीप साठी, आणि आदीप साठी 600 रुपयांचं कॅश प्राइज देखील आहे, कासिफ कुंगले यांच्याकडून 100 रुपये आणि रोशन सर साजिद कुंगले यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज। सेकंड करून निघत आहे दोन्ही टीम, दोन्ही संघांमध्ये असेल लाइनअप करायचं आहे, सेकंड करायचं आहे आणि त्यानंतर मैदान सोडायचं आहे।